नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल वीडियो सीरीज के क्रम में आज हमारे कंटेंट हैं कलर्ड आयन फॉर्मेशन, कलर एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आयंस। तो हम आज ये समझेंगे कि कोई पदार्थ है वो कब रंगहीन होता है या कब रंगीन होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ के अणु या परमाणु या आयन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तथा अवशोषित होने के बाद जो प्रकाश लौटकर हमारी आँखों तक पहुँचता है तो वो उस प्रकाश का जो रंग होता है वो रंग का वो वस्तु या पदार्थ हमें प्रदर्शित होता है या दिखता है। तो जो लौट कर आने वाला जो प्रकाश है उसका जो रंग है उसको हम कम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री कलर आप अभी टेबल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि विजिबल रीजन्स हैं क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम है जिसकी रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इस दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, इस दृश्य स्पेक्ट्रम में 7 रंग की तरंग दैर्ध्य के जो प्रकाश है वो हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, बे नी आ ह पी नाला, ये 7 रंग है, या विबग्योर के माध्यम से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो कम्प्लीमेंट्री कलर हम टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कोई पदार्थ दृश्य प्रकाश क्षेत्र के किसी एक रंग वाले वेवलेंथ का अवशोषण कर लिया उस प्रकाश का, तो जो उस पदार्थ से टकरा कर या लौट कर आने वाला प्रकाश है उसका रंग जो अवशोषित प्रकाश है उसके रंग से अलग होगा, तो उस अलग रंग को हम कम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है वो वस्तु यहाँ बैंगनी रंग की लाइट का अवशोषण कर रही है जिसकी अप्रोक्स वेवलेंथ है 400 से 435, और जो लौट कर आँखों की ओर वो वस्तु हमें किस प्रकार दिखेगी, पीला हरा, वो वस्तु कैसी होगी, ग्रीनिश येलोविश ग्रीन दिखाई देगी। तो ये कम्प्लीमेंट्री कलर है इसका, बैंगनी का या वॉयलेट कलर का। इस प्रकार आप लर्न कर सकते हैं ब्लू रंग, यानी कोई वस्तु या पदार्थ है वो ब्लू रंग की रेडिएशंस है, ब्लू रंग की वेवलेंथ वाला दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का प्रकाश का अवशोषण करता है, तो उस पदार्थ से जो लौट कर आने वाला प्रकाश हमारी आंखों को किस प्रकार दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा, यानी वस्तु का रंग हमें किस प्रकार दिखाई देगा, येलो रंग की वस्तु दिखाई देगी। ये कम्प्लीमेंट्री कलर है। ब्लू का क्या है, नीला का क्या है, पीला, यानी ब्लू येलो, या यदि कोई येलो जो प्रकाश है उस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश का अवशोषण हो रहा है कोई पदार्थ का तो हमें किस प्रकार दिखाई देगी वस्तु, ब्लू रंग की दिखाई देगी। ये है कम्प्लीमेंट्री टेबल, इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से आसानी से लर्न कर सकते हैं। यदि हरा नीला यानी ग्रीनिश ब्लू रंग की वेवलेंथ का जो प्रकाश है वो अवशोषण कर रही है कोई पदार्थ तो हमें जो लौट कर आने वाला जो प्रकाश है वो कैसा होगा, नारंगी होगा, यानी कि वस्तु कैसी दिखेगी, ऑरेंज कलर की दिखेगी। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं ग्रीन का पर्पल है, येलोविश ग्रीन का क्या है, वॉयलेट है। ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, RPC यानी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि जो येलो कलर है उसका कम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, तो आपको क्या आंसर शो करना है, ब्लू। अब आप देखिए ये जो कलर है ट्रांजिशंस मेटल्स में, इस कलर को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ DD ट्रांजिशंस और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के माध्यम से हम ये बता पाएंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशंस मेटल कॉम्प्लेक्स है, उसमें रंग किस वजह से उत्पन्न होता है। तो इसके मुख्य कारण क्या है, दो कारण हैं, एक तो DD ट्रांजिशंस और एक है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो DD ट्रांजिशंस के बारे में सबसे पहले थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि DD ट्रांजिशंस है क्या। वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू क्रिस्टल फील्ड थियरी, यानी कि DD ट्रांजिशंस को, DD संक्रमण को हम क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आधार पर, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर इसको समझ सकते हैं। तो ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार निम्नतम ऊर्जा अवस्था में, तो यानी कि ग्राउंड स्टेट के अंदर,
ग्राउंड स्टेट के अंदर हम इस सीएफटी को ज़रा वाइट बोर्ड पर समझने का प्रयास करते हैं। चलो देखते हैं, वाइट बोर्ड पर प्रयास करते हैं इसको एक्सप्लेन करने का। जैसे डी ऑर्बिटल्स हैं, डी सबसेल के 500 डी कक्षक हैं, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में तो कौन सी स्टेट में रहते हैं? डी जनरेट स्टेट में रहते हैं। यानी कि 500 डी कक्षक का जो एनर्जी लेवल है वो समान है, अपने डी जनरेट स्टेट में है। डी सबसेल के जो डी ऑर्बिटल्स कितने हैं? डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, और डी जेड एक्स है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और डी जेड स्क्वायर है। ये पांचों डी कक्षक जब ये आयन हैं और अपनी ग्राउंड स्टेट में हैं, जब इस आयन से लिगेंड संपर्क में आते हैं, तो इन डी जनरेट यानी कि एक ही ऊर्जा लेवल के जो डी सबसेल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इन सेम ऊर्जा लेवल्स में क्या हो जाता है? विपाटक हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। क्योंकि जब लिगेंड आता है मेटल्स आयन के नज़दीक तो इंट्रैक्शंस होता है, और इन इंट्रैक्शन से अब लिगेंड किस और आता है इस बात पर निर्भर करता है। यदि लिगेंड एक्स के अलोंग आ रहा है तो जो जो अक्ष पर उपस्थित डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी ऊर्जा उच्च हो जाएगी, और जो एक्स वाई प्लेन में है या एक्स जेड प्लेन में है, यानी जिनका जो ऑर्बिटल्स प्लेन में उपस्थित हैं उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? निम्न हो जाएगी। तो डी ऑर्बिटल्स का विपाटन हो जाता है लिगेंड जब इंट्रैक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो या डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग से दो प्रकार के सेट बन जाते हैं। एक तो सेट कहलाता है टी टू जी सेट, और दूसरा क्या कहलाता है? ई जी सेट। यह है टी टू जी सेट। टी टू जी सेट में कितने ऑर्बिटल्स हैं? तीन ऑर्बिटल्स। क्या हैं? जो प्लेन के अंदर हैं वो कौन से हैं ऑर्बिटल्स? टी टू जी ऑर्बिटल्स हैं, प्लेन वाले। और ई जी ऑर्बिटल्स कौन से हैं? जो एक्स के अलोंग ओरिएंटेड रहते हैं, जैसे डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये दो हैं वो ई जी सेट के हैं। तो ये अपनी औसत ऊर्जा से जो डी ई जी वाले हैं वो -0. ई जी कक्षक से ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो +0.6 डेल्टा ओ एनर्जी ग्रेन करके उच्च एनर्जी का हो जाते हैं, तथा ये जो टी टू जी सेट के ऑर्बिटल्स हैं वो -0.4 डेल्टा ओ एनर्जी निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं। तो ये -4 डेल्टा हो और +6 डेल्टा हो, तो इनके जो स्प्लिटिंग हुआ है तो ये इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। और इस स्प्लिटिंग एनर्जी को हम किससे, ये ऑक्टाहेड्रल यदि कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो यहाँ डेल्टा ओ से इसको निर्धारित कर रहे हैं, या इसको हम 10dQ मान से भी इसको डिनोट करते हैं। ये CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, और इसका मान लिगेंड की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, सेंट्रल मेटल आयंस के जो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये जो स्प्लिटिंग है, इस स्प्लिटिंग का कारण क्या है? इस स्प्लिटिंग का कारण हमने बता दिया कि टी टू जी सेट के जो ऑर्बिटल्स हैं डी सबसेल के वो प्लेन के अंदर रहते हैं, लेकिन आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है। यहाँ देखिए, ये कोई ऑक्टाहेड्रल है, ये कोई ऑक्टाहेड्रल्स है, और इस ऑक्टाहेड्रल्स में ऑक्टाहेड्रल के छहों कोनों से लिगेंड इंट्रैक्ट करेगा। छहों कोनों से लिगेंड क्या करेगा? इंट्रैक्ट करेगा। तो छहों कोनों से लिगेंड इंट्रैक्ट करता है। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, सपोज करो ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस हो गई? जेड एक्सिस हो गई। तो एक्स वाई जेड एक्सिस, तो ये
ये जो लिगेंड या एक्स के अलोंग अनुदिश मेटल्स आयंस की ओर इंटरेक्ट करेंगे और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने का प्रयास करेंगे, तो उस स्थिति में जो जो डी ऑर्बिटल्स के एक्स के अलोंग ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स हैं, जैसे डी जेड स्क्वायर हैं जो कि जेड एक्स के अलोंग है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है जो डी एक्स और वाई के अलोंग उनकी लोबी लोब है, तो ये उच्च ऊर्जा के हो जाएंगे। टू ई जी सेट हैं, टी टू जी से उच्च ऊर्जा का हो जाता है। कितना उच्च ऊर्जा का हो जाता है? प्लस 0.6 डेल्टा ओ। अब टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल में क्या होता है? टेट्राहेड्रल्स में जो लिगेंड है वो आप टेट्राहेड्रल्स को इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये ये एक टेट्राहेड्रल है। अल्टरनेट कॉर्नर्स को हमने पर पार्टिकल्स उपस्थित हैं, लिगेंड्स आते हैं टेट्राहेड्रल केसेस के अंदर। तो यहाँ जो लिगेंड इंटरेक्ट कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग नहीं आकर के, आप देख लीजिए यहाँ एक्स एक्सिस इसका सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक मिनट सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो x और y एक्स जेड एक्सिस के अलोंग ये जो लिगेंड है इंटरेक्ट नहीं करके ये अन्य ओर से आते हैं, और इसी वजह से जो इनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग जो सीएफएसी का मान क्या होता है, कम होता है। दूसरा कारण ये है कि वहाँ 6 लिगेंड इंटरेक्ट कर रहे हैं मेटल आयन से और यहाँ पर कितने कर रहे हैं? 4 लिगेंड इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी कारण है। और इन ऑर्बिटल्स से ये दो सेट बन रहे हैं टी टू जी एंड ई जी, ये है टी टू जी एंड ये है ई जी, और यहाँ जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निम्न ऊर्जा, जब निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस उच्च ऊर्जा वाले EG में, तब एक कम ऊर्जा का दृश्य प्रकाश क्षेत्र की जो ऊर्जा है उसका अवशोषण होगा और जो संकुल है, जो कॉम्प्लेक्स है वो रंगीन दिखाई देगा। तो हम एक सिंपल एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि एक जो ऑक्टाहेड्रल एग्जांपल्स है टाइटेनियम हेक्सा एको टाइटेनियम थर्ड कॉम्प्लेक्स, ये पर्पल रंग का है, गहरा बैंगनी रंग का है, तो इसको हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये यहाँ एग्जांपल्स लिया है टाइटेनियम हेक्सा एको टाइटेनियम थर्ड कॉम्प्लेक्स, जिसमें टाइटेनियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये पर्पल कलर का है, यानी कि गहरा बैंगनी कलर है। इसके गहरा बैंगनी कलर का कारण क्या है? यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो टाइटेनियम थर्ड प्लस है, 3+ है, वो उसमें D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है। क्या है? D1, यानी कि ये जो D1 है या टाइटेनियम्स के जो ग्राउंड स्टेट के डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स हैं, जब लिगेंड आते हैं एक्वा आयंस जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं टाइटेनियम थर्ड आयंस के साथ, तो इनके लिगेंड्स में स्प्लिटिंग होकर के 2 सेट्स बन जाते हैं, जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेन किया था T2G ऑर्बिटल्स एंड EG ऑर्बिटल्स का सेट। अब ये T2G एंड EG ऑर्बिटल्स हैं, इनके जो मध्य की एनर्जी है वो है डेल्टा ओ के बराबर, और ओ स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए है। और यहाँ जब इस टाइटेनियम्स का जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हम कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए
जब लाइट नहीं थी तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टी टू जी सेट में ही है, डी वन का इलेक्ट्रॉन्स डी एक्स वाई के अंदर। जब लाइट को हम एक्सपोज करते हैं दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या है कि ये जो एक टी टू जी सेट का इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा कम ऊर्जा प्राप्त करके दृश्य क्षेत्र की ऊर्जा को प्राप्त करके ये कहाँ इसका संक्रमण हुआ, कहाँ ट्रांजिशन हुआ, उच्च ऊर्जा वाले ईजी कक्षकों में इसका ट्रांजिशन हुआ। और कितनी एनर्जी इसने अवशोषित की, इसने डेल्टा ओ जितनी एनर्जी अवशोषित की जिसका मान है 4×10^-12 अर्ग। जब हमने इसका इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा लिया तो मॉलर एब्जॉर्बेंस और ये फ्रीक्वेंसी के मध्य हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है ये स्पेक्ट्रा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इसमें हमें एक एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ प्राप्त हो रही है, एक ही ब्रॉड पीक प्राप्त हो रही है, और इस ब्रॉड पीक में मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी प्राप्त हो रही है, 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स की फ्रीक्वेंसी है। उस पर एक हमें जो वेव प्राप्त हो रही है वो यहाँ देख सकते हैं, ये है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और ये है दी डी डी ट्रांजिशंस इज द सिंगल ब्रॉड पीक विद अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये सेंटीमीटर इनवर्स ये इसको हम किलो जूल मोल इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हमें 83.7 जो सेंटीमीटर इनवर्स है उसका भाग देना होगा, तो हमें ये जो एनर्जी प्राप्त होती है वो एनर्जी कितनी प्राप्त होगी, हम देखते हैं कि ये एनर्जी होगी 243 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी कि 243 किलो जूल मोल इनवर्स की जो एनर्जी का अवशोषण करके वो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले जो ईजी सेट में चला जाता है, और इस प्रकार दृश्य क्षेत्र की ऊर्जा का अवशोषण हुआ है। और हमें ये जो 500 nm है, 500 nm की जो लैम्डा है, इस तरंग दैर्ध्य का अवशोषण हुआ है, ये ग्रीन लाइट से संबंधित है, तो इस ग्रीन लाइट से संबंधित है, तो ग्रीन लाइट का जो इसका तो अवशोषण हो गया था, यानी ग्रीन तो वस्तु वो कॉम्प्लेक्स दिखेगा नहीं, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होगा वो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर पर्पल जो है पर्पल कलर होगा। देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखते हैं अपन, ग्रीन का ये ग्रीन है, ग्रीन का पर्पल यहाँ देख सकते हैं आप, ये ग्रीन कलर अवशोषण हुआ है लगभग 500 nm से, तो इसका जो पूरक रंग हमें क्या दिखाई देगा, पर्पल। इसीलिए टाइटन हैग्जा एक्वो टाइटेनियम थर्ड कॉम्प्लेक्स है वो किस प्रकार का है, उसका गहरा बैंगनी रंग है, या हम उसको कह सकते हैं पर्पल रंग। कुछ 3D सीरीज के जो आइंस हैं उनके कलर के बारे में या टेबल में देख सकते हैं, स्कैंडियम 2+ एंड टाइटेनियम 4+ है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 3D0, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो कलरलेस होगा क्योंकि यहाँ DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार टाइटेनियम 3+ है, उसका 3D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है और पर्पल कलर का होगा। वेनेडियम 4+ है, उसमें भी 3D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 है, और इसमें कौन सा कलर हमें परिलक्षित होगा उसका, उस पर इस V4 के जो कॉम्प्लेक्स हैं उसका ब्लू रंग के कॉम्प्लेक्स होंगे। और वेनेडियम 3+ में D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, और हमें किस प्रकार का रंग परिलक्षित होगा, ग्रीन होगा। इसी प्रकार ये सारे आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन 3D मेटल्स आइंस के कलर को आप लर्न कर सकते हैं, और जहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 है तो वो सारे कॉम्प्लेक्स किसके होंगे, कलर लेस होंगे। अब एक और दूसरा कारण है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, यानी कि जो ट्रांजिशंस मेटल आइन है उनमें जो कलर किस वजह से हो रहा है, DD ट्रांजिशंस है, अभी हमने समझाने का प्रयास किया। और दूसरा कारण है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा क्या चीज़ है कि ये कलर इस प्रकार भी उत्पन्न हो सकता है, जब डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उस स्थिति में भी कुछ कॉम्प्लेक्स कलर के हैं, तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, और इस ट्रांसफ़र की वजह से भी वो जो कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या हमें रंगीन दिखाई देते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा कहते हैं। कलर
ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स टू अनदर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। आप इस टेबल में देख सकते हैं आराम से कि ये टाइटेनियम 4+ है, इसमें D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यानी DD ट्रांसिशंस पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ ये तो क्या है, कलरलेस है। अब वेनेडियम 5+ हैं, क्रोमियम 6+ हैं, Mn 7+ हैं, इनमें भी D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं, DD ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि उच्च धनावेश उपस्थित है, +7 है, +6 है, +4 है, टाइटेनियम +4 की अपेक्षा, इसीलिए डी ऑर्बिटल्स में 0 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हुए भी, ये क्या कर देते हैं, ये अन्य लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने की इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि मेटल्स आयन पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, मेटल्स पर उच्च धनावेश है, तो ये लिगेंड से, लिगेंड के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किधर हो रहा है, मेटल्स की तरफ हो रहा है, इससे भी वो जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कलर दिखाई दे रहे हैं, उन कॉम्प्लेक्स में कलर उत्पन्न होता है। वो देखिए Mn7+ के कॉम्प्लेक्स किस रंग के होते हैं, पर्पल, क्रोमियम 6 के वो हैं ऑरेंज, और Vn5+ के किसके हैं, ऑरेंज येलो हैं। तो इसको हम लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र क्या बोलते हैं, LMCT कहते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। इसकी वजह से भी यदि चार्ज का ट्रांसफ़र एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हुआ है तो भी वो कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा, और अभी हमने एक्सप्लेन किया है। अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो कलर उत्पन्न हो रहा है उसको अफेक्ट करने वाले क्या क्या कारण हैं। तो नंबर फर्स्ट है चार्ज ऑन ट्रांजिशंस मेटल आयन। यदि मेटल्स आयन पर चार्ज धन आवेश है, उस वो कितना है, अधिक धन आवेशित है, जैसे Mn7+ है, तो उसका जो कलर है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा कारण है CFSE, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये DD ट्रांजिशंस केस के अंदर है, DD ट्रांजिशंस में इसके रंग को, कलर को उत्पन्न होने के लिए प्रभावी कारक है CFSE। CFSE जो है वो किस पर निर्भर करती है, नेचर ऑफ लिगेंड, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो CFSE का मान, स्प्लिटिंग जो एनर्जी है उसका मान बढ़ जाएगा, डेल्टा ओ की वैल्यू का मान भी बढ़ जाएगा, सॉरी डेल्टा का मान भी बढ़ जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन है, ये भी किसको प्रभावित करती है, CFSE को प्रभावित करती है। और ये CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा तो ऊर्जा, अलग अलग तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा का अवशोषण होगा, और डिफरेंट टाइप के कलर अपन को देखने को मिलेंगे। इस प्रकार हमने आज जाना ट्रांजिशंस मेटल्स में कलर प्रॉपर्टी का, ट्रांजिशंस मेटल्स के जो आइंस हैं उसमें कलर किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट हमारा अगला वीडियो होगा जिसमें हम ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस हैं, ट्रांजिशंस जो मेटल आयंस हैं उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस को हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।